नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। अगेन इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अंदर भी असी की करना है, एक असी लूप लैके चलांगे और अगेन जिदा पिछले टॉपिक सेगा एक करंट लूप लई सी, इत्थे भी असी की है एक लूप लैके चल रहे हैं। पर पिछले टॉपिक असी की किया सीगा, उस लूप के कारण सेंटर ते फाइंड आउट करना सी किन्ना मैगनैटिक फील्ड है। इस केस असी की करना है, सेंटर ते नहीं फाइंड करना, असी की करना है कोई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन उदी एक्सिस ते लैके चलांगे। मतलब असी कुछ इस तरह कहना चाह रहे हैं, मान लो सपोज अगर असी इनू एक सर्कुलर लूप कहिए, ये से करंट फ्लो करेगा, मे बी इट इन एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज कोई भी डायरेक्शन से होएगा। और असी की कह रहे हैं पिछले आर्टिकल से असी की किया सीगा, ये सेंटर ते, मतलब ये इत्थे देखना चाह रहे सी किन्ना करंट है। हुण असी की कह रहे हैं इहदी एक्सिस जो ये सेंटर चो जा पास कर रही है एक्सिस, इस एक्सिस के उपर पॉइंट लैके चलेंगे। वो पॉइंट कितने भी हो सकता, मे बी इत्थे होए या इत्थे, कितने भी पॉइंट लैके चलना है जो उहदी एक्सिस है सेंटर चो पास कर रही है। ठीक है, मतलब हुण असी एक्सिस के उपर मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो असी की करते हैं, ये भी सब तो पहला की है, असी डायग्राम बनाने हैं। एक सर्कुलर लूप कंसिडर की, जिस तरह असी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी किया सी टॉपिक, सिमिलरली इत्थे भी असी एक सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं, उहदा सेंटर है ओ, राइट, और उहनू थ्री डायमेंशनल स्पेस से असी बना रहे हैं। तो असी इहदे थ्री एक्सिस बनाते कुछ इस तरह, ठीक है, एक्स डायरेक्शन है, वाई है, जेड है, राइट, और ये एक्स वाई जेड असी अपनी मर्जी नाल किते भी, इत्थे भी एक्स लिख सकते हैं, इत्थे भी लिख सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली एक्स वाई जेड असी ले सकते हैं। ठीक, फिर असी इस तो बाद की करना है, इस सर्कुलर लूप दा रेडियस कंसिडर किया ए, जिदा पिछले टॉपिक से असी कंसिडर किया। फिर असी हुण पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन सपोज किते इत्थे कंसिडर कर रहे हैं जो इहदी एक्सिस दे उपर है, किते भी एक्सिस दे उपर, जो असी इस इहदी हेल्प नाल भी दिखा रहे सी, इहदी सेंटर चो जो एक लाइन पास कर रही है इस एक्सिस दे उपर, किते भी अगर असी पॉइंट देखना है उहदे उपर मैगनैटिक फील्ड। हुण असी इस तो बाद की काम करना है, अगेन एक इहदी एप्लीकेशन है बायो सेविट्स लॉ दी। तो बायो सेविट्स लॉ का फस्ट जो कॉन्सैप्ट है कि असी की कंसिडर करना है कोई भी एक समॉल एलीमेंट जिदे च करंट फ्लो कर रहा है, नो डाउट पूरे च करंट किन्ना फ्लो कर रहा है आए, और समॉल एलीमेंट अगर डी एल है तो उहदे च करंट किन्ना होएगा, आए डी एल करंट होएगा। और अगर असी वैक्टर फॉर्म से लिख रहे हैं तो सानू एरो का ध्यान रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उस अकॉर्डिंगली असी एरो उस डायरेक्शन से बना देंगे। ठीक है, हुण इस तो बाद देखो जे असी देखिए इनू बायो सेविट्स लॉ दी डायग्राम दे हेल्प नाल ही असी देखना होए, क्योंकि असी उहदी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उहदे च कोई भी एक करंट एलीमेंट सीगा, उहदे च करंट सी आए, फिर उहदा समॉल करंट एलीमेंट कंसिडर किया आईडीएल वैक्टर, पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन कंसिडर किया, फिर असी की किया इनू ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब अगर इतों ज्वाइन करते हैं तो भी, या फिर असी सिंपली कह दिए कि असी ये सेंटर तो ज्वाइन कर दिता, या असी कहिए कि सेंटर ऑफ करंट एलीमेंट का पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन तो डिस्टेंस कंसिडर किया आर, फिर असी कह दिता आर कैप। हुण उही चीज़ नूं असी इत्थे देखना है, इत्थे करंट एलीमेंट ए है और ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन, असी इनू ज्वाइन कर दिता, ठीक, और असी ये डिस्टेंस नूं कंसिडर कर लेने आर, और इस डिस्टेंस नूं असी कंसिडर कर लिया एक्स। ठीक है, और ये वाला एंगल लेट थीटा है, क्योंकि असी इत्थे भी थीटा कंसिडर करते हैं ना एंगल ए वाला, तो असी इत्थे भी थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, हुण इस तो बाद असी की करना है कैलकुलेट, इहदे तो बाद असी पहलां तां इंट्रोडक्शन लिख देंगे सारी कि इहदे च असी करंट लूप कंसिडर करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन है, सारी चीज़ असी लिखन तो बाद फिर असी देखांगे इत्थे बायो सेविट्स लॉ का जो फॉर्मूला है उहनू लिख लैंदे हां, कि क्योंकि बायो सेविट्स लॉ लगाना है तो उहदा फॉर्मूला सानू याद होए, दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आए डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर। हुण असी देख लांगे कि इत्थे असी की लिया है, आर ही है या ए है, फिर असी इत्थे गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि देखो इत्थे ए भी है आर भी है, ध्यान च की रखना है अगर सानू इस चीज़ की नॉलेज है। पिछले केस च की सीगा, सेंटर ते फाइंड करना सीगा मैगनैटिक फील्ड, तो सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन और ए करंट एलीमेंट सी, तो डिस्टेंस उही है जो ए है।
ठीक है, जो रेडियस सेगा लूप द, पर इस केस च पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इत्थे है, ठीक है, और करंट एलिमेंट ए है तो केड़ा डिस्टेंस होएगा आर, ठीक है, तो ओदा स्क्वायर करांगे ना कि ए दा स्क्वायर करांगे। तो इन्नी गल ध्यान च रखनी है कि डिनोमिनेटर च स्क्वायर कदा आएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ते करंट एलिमेंट जो असी कंसीडर किया उन्हां दे विचली सैपरेशन उन्हूं असी कादे नाल डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई साडी फस्ट इक्वेशन। हुण इस तों बाद साडा सैकेंड स्टैप की होएगा, असी हुण क्रॉस प्रोडक्ट नूं सोल्व करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नूं सोल्व करन दे लई सानूं ये चीज़ पता होए कि इन्हां च एंगल किन्ना है, किहदे किहदे च एंगल दिखना है, आई डी एल करंट एलीमेंट एंड आर कैप। आर कैप नो डाउट इस डायरेक्शन च होएगा, ठीक है, आर कैप ए हो गया और करंट एलीमेंट ए हो गया। हुण इन्हां च एंगल अगर असी इत्थों विजुअलाइज़ करते हैं तो सानूं नहीं क्लैरिटी हो रही कि एंगल किन्ना है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल जो है डायग्राम है उन्हूं असी की बना रहे, कॉपी ते बना रहे हैं, टू डायमेंशन से बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम होएगी, असी पिछला व्यू इहदा नहीं देख रहे। हुण असी देखांगे बेसिकली एंगल है 90 डिग्री, वो किस तरह असी देखना है, अगर असी इहनूं देखिए इहदी हैल्प दे नाल असी देखना चाहिए तो साडे कोल इह है सर्कुलर लूप। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है और ये इहदे करंट एलीमेंट्स जो असी स्मॉल करंट एलीमेंट सपोज मैं इत्थों लैके इत्थे तक कंसिडर किया, इन्ना करंट एलीमेंट है, ये करंट एलीमेंट, ये सारे स्मॉल करंट एलीमेंट्स है। ठीक है, सपोज असी इन्ना करंट एलीमेंट कंसिडर कर लिया इहदा, तां ये एक तरह का की है, स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, इन्ना करंट एलीमेंट मतलब क्योंकि स्मॉल पोर्शन देखिए तो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फिर इस तरह अगे देखिए वह भी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि सारिया लाइनस मिलन तो बाद एक लूप बनेगी। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखिए तो लूप का स्मॉल एलीमेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह मतलब ये चीज़ होगी, इनू असी इस तरह ज्यूम कर लिए, मतलब ये लाइन है वो करंट एलीमेंट है इस लूप से। ठीक, हुण देखो असी की किया होया है इस लाइन पर इस तरह किया हो, इतों असी लाइन ज्वाइन की हुई है, एक सेंटर चो जा रही है, सेंटर चो केड़ी जा रही है लाइन, ए वाली लाइन जा रही है, ए वाली लाइन हूँ असी यदि गल कर रहे, इतों लाइन है साढ़े कोल और इस तरह असी ज्वाइन की हुई है। ठीक है, मतलब इस तरह व्यू है साडा। तो हूँ एंगल अगर असी देखिए इतने कितने साढ़े कोल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इस पिन के निब ते। ठीक है, इस तरह हूँ एंगल देखना है किदे विच आई डी एल इज दिस और ये साढ़े कोल की है आर कैप, ये पेन जो है आर कैप हो गया और ये लाइन, ये जो मेरी जो असी फिंगर की गल करते हैं दैट इज़ आई डी एल, तो की हो गया एंगल, एंगल इज़ अ 90 डिग्री। चाहे इनू जिन्ना मर्जी मैं अगे लैके चल जा, मैं इत्थे वाला पोर्शन कंसिडर किया पर ये एंगल स्टिल 90 डिग्री ही रहेगा, चाहे इनू जिन्ना मर्जी अगे पिछे असी रोटेट करिए एंगल विल बी 90 डिग्री। तो असी कह देंगे इत्थे जिहड़ा एंगल है जो असी शो नहीं हो रहा इत्थे क्योंकि टू डायमेंशनल सरफेस ते काम कर रहे हैं तो दैट इज़ 90 डिग्री। आई डी एल ते आर कैप च एंगल किन्ना है 90 डिग्री है, तो असी इत्थे की लिख देंगे डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल आर कैप यूनिट वैक्टर, यदा मैगनीट्यूड 1 होएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा अपॉन आर स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। उस तो बाद असी देख लेंगे साइन 90 की हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मेरे को आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल आर कैप मैगनीट्यूड 1 अपॉन आर स्केयर। ठीक है, साढ़े को सैकेंड इक्वेशन हो जाएगी। हुण इस तों बाद असी की चीज़ देखनी है, पी पॉइंट ते अगर मैं मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन की गल करा तो वह असी किस तरह इत्थे ड्रॉ करनी है, उहदे लई भी असी की चीज़ देखनी है। देखो साढ़े को इत्थे की है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी दो वैक्टरस है, अगर ये भी एक वैक्टर है ये भी एक वैक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर असी प्लस 1 दे जो असी काम करते हैं उन्होंने रिवाइज करिए तो दो कभी भी दो यूनिट वैक्टरस या कोई भी दो वैक्टरस का क्रॉस प्रोडक्ट है वो तीसरे यूनिट वैक्टर के बराबर है। ठीक है, इस तरह लिखते हैं ना, या मैं इतने लिखदा जे क्रॉस के वो कादे बराबर है आए थर्ड डायमेंशन के बराबर है। तो मतलब अगर असी डायग्रामैटिकली देखते हैं, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, सपोज वाई है, जेड है, इस डायरेक्शन से मेरे को जो भी वैक्टर है वो डायरेक्शन है आए कैप, इस डायरेक्शन च कोई वैक्टर है सपोज इत्थे ए वैक्टर है, इस डायरेक्शन च बी वैक्टर है, उहदी डायरेक्शन नूं दिखाने लई यूनिट वैक्टर है जे कैप, इस डायरेक्शन च सी वैक्टर है,
ओदे लिए मेरे को है के वैक्टर, ठीक है। और जो भी असी क्रॉस प्रोडक्ट लैके चलना है किसी भी दो वैक्टर्स का, ए वैक्टर के नाल आए कैप है, इनू असी सोल्व करके अगर लिख दीए आए कैप क्रॉस बी दे नाल की है जे कैप, तो यदा आंसर की आएगा, ए बी एस सच बाहर निकल जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे तुसी प्लस वन च कर दे हो, थर्ड डायमेंशन दैट इज़ के कैप, तो ए बी के कैप, तो ए बी दी डायरेक्शन इज़ द के कैप, के कैप मतलब इन दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये चीज़ तो मैं ये चीज़ समझाना की चाह रही हूँ थानू कि इतने मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन असी किस तरह समझना है। साढ़े को देखो इतने की है, एक तो आई डी एल है राइट, और एक मेरे को आर कैप है। मैगनैटिक फील्ड मैं इतने देखना है किन्ना है, तो इतने क्रॉस प्रोडक्ट है तो नैचुरली मैगनैटिक फील्ड की होएगा परपेंडिकुलर होएगा ना इन दोनों दे, ठीक है। मतलब आई डी एल और आर दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैगनैटिक फील्ड, तो वो असी किस तरह इतने विजुअलाइज किस तरह करना है, प्लॉट किस तरह करना है, उदे लिए फिर अगर असी थ्री डायमेंशनल सरफेस मतलब एक लूप जो है अगर देखिए, क्योंकि ये टू डायमेंशन से कर रहे हैं तो समझन से थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर इसलिए असी थ्री डायमेंशनल लूप कंसिडर की। एदा करंट एलीमेंट मतलब मेरी ये वाली फिंगर, आर कैप मतलब ये वाला पेन राइट, इस तरह इन दोनों दे इहदे परपेंडिकुलर हुण की होएगा, इहदे परपेंडिकुलर मतलब इस तरह, ठीक है। मतलब ये चीज़ इहदे परपेंडिकुलर हो गई राइट, तो मतलब असी की कहांगे मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह परपेंडिकुलर होएगी इस लाइन, तो वह असी इस तरह बना देंगे परपेंडिकुलर डी बी वैक्टर। इसलिए असी इत्थे मैगनैटिक फील्ड नू इस तरह शो कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वैक्टर्स का